टू व्यूअर्स, मैं हूँ अवंतिका शर्मा, आपकी मैथ्स ट्यूटर। और आज की क्लास है मेरी छोटे छोटे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी बस पेंसिल पकड़ना ही स्टार्ट किया है। अभी इस लॉकडाउन की वजह से स्कूल तो जा नहीं रही, तो कैसे वो घर में ही नंबर्स बनाना सीखे, ये क्लास उनके लिए है। तो जैसे ही वो पेंसिल पकड़ना सीखते, पेंसिल पकड़ना सिखाने के लिए उनको कलर क्रेयॉन्स वगैरह दीजिए और प्लेन शीट ड्राइंग शीट दे दीजिए, चाहे वो कुछ भी बनाए, राउंड एंड राउंड कुछ भी, लेकिन उससे उनको क्या होगा, पेंसिल को प्रॉपर तरीके से पकड़ने की हैबिट आएगी। जितना करेंगे उतनी उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी। फिर सबसे पहले हम लाइन कैसे सिखाएं, नंबर पे जाने से पहले क्या क्लियर होना चाहिए, बच्चों की लाइंस क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले क्या आती है, स्टैंडिंग लाइन। अब बच्चों को स्टैंडिंग लाइन कैसे सिखाएं, उसके लिए आप क्या करिए, प्लेन शीट लीजिए और इस टाइप से क्लाउड बना लीजिए, बस आप क्लाउड बना लीजिए। और बच्चों को कहिए कि वो रेन शो करे कि रेन कैसे होती है। सब बच्चे देखते हैं कि रेन ऐसे होती है, तो वो ऐसे इस टाइप से लाइनें बनाएंगे, तो वही लाइन क्या है, स्टैंडिंग लाइन। इस तरीके से बच्चों को, छोटे बच्चों को प्यार से स्टैंडिंग लाइन इंट्रोड्यूस कराइए, चाहे वो कैसे भी बनाए उनको टोकिए नहीं, वो करते करते वो प्रॉपर रूप से बनाने लगेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे फ्लावर बनाइए, नीचे पॉट बनाइए और कहिए कि फ्लावर को पॉट से मैच करें, क्या करें, फ्लावर को पॉट से मैच करें, इससे भी उनको स्टैंडिंग लाइन से इंट्रोड्यूस होंगे। या बैलून बना के कह सकते हैं, बैलून को नीचे से टच कीजिए, जिससे उनकी स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट लाइन क्या है, स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस कैसे कराएं, स्लीपिंग वो भी बहुत इजी है, आप व्हाइट पेन शीट पे बोर्ड बना दीजिए और कहिए कि आप पानी बनाइए इसके आसपास, बच्चे इस तरीके से लाइनें बनाएंगे और फिर उन्हें बताइए यही स्लीपिंग लाइन है, जैसे कि लेटी हुई पोजीशन में। या फिर आप डक बना सकते हैं और फिर बच्चों को कहिए कि इसकी चारों तरफ आप पानी बनाइए, प्रैक्टिस करते करते इनको वो लाइन भी आ जाएगी। फिर क्या आती है, स्लैंटिंग लाइन। अब स्लैंटिंग लाइन भी टू टाइप की होती है, फॉरवर्ड जो आगे की तरफ झुकी होती है, फॉरवर्ड स्लैंटिंग एंड बैकवर्ड स्लैंटिंग। ये कैसे सिखाएं, इसको सिखाने की भी सिंपल ट्रिक है, आइसक्रीम तो सभी बच्चे जानते हैं, आइसक्रीम कौन से सभी बच्चे इंट्रोड्यूस है, तो क्या करिए, आइसक्रीम को एक दो तो आप पूरे बना दीजिए, फिर क्या करिए सिर्फ एक, जैसे मैंने यहाँ पे बैकवर्ड स्लैंटिंग बनाई है, तो बच्चों को कहिए आप ये वाली बनाइए, इससे उनको फॉरवर्ड स्लैंटिंग आएगी। और बैकवर्ड स्लैंटिंग के लिए आप फॉरवर्ड स्लैंटिंग बना दीजिए, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर बच्चे इसको मैच करेंगे तो उनको बैकवर्ड स्लैंटिंग भी आ जाएगी। स्लैंडिंग के बाद में क्या है, फॉरवर्ड कर्व एंड बैकवर्ड कर्व। अब ये भी बहुत इजी है, सिंपल टेक्निक यूज करेंगे, हम फेस बनाएंगे। आजकल तो बहुत ज्यादा फेस, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी हो, हैप्पी है सैड है, हम स्माइली फेस सैड फेस भेज करके अपने रिएक्शन देते हैं, तो बस आपको क्या करना है, फेस बना दीजिए। और फिर जैसे कि फॉरवर्ड एंड कर्व, फॉरवर्ड कर्व के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे इस तरीके से बच्चों को सिखाइए, इसका ये ईयर बनाया, ये फॉरवर्ड कर्व, और इधर राइट हैंड साइड वाला कर्व बनाया तो क्या हो गया, बैकवर्ड कर्व। सो सिंपल। एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये बच्चों को कैसे सिखाएं, अपवर्ड कर्व के लिए क्या सिखाओगी, स्माइल फेस, स्माइल किया तो अपवर्ड कर्व, और सैड दुखी हुए तो डाउनवर्ड कर्व। सो सिंपल, फॉरवर्ड कर्व, बैकवर्ड कर्व, अब बनाइए देन फॉरवर्ड कर्व एंड राइट ईयर बनाइए तो बैकवर्ड कर्व। अब बच्चों को कर्व आ गए, अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अब जब सब लाइन एंड कर्व आ गए तो नंबर कैसे बनाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देती हूँ।